दोस्तों, असीसो जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 283, सॉरी 383। आज का शो मेरा है 383, 383, और शो का टॉपिक है आए साथ को खुदावन में खुश रहो, आए साथ को खुदावन में खुश रहो। और सबसे पहले तलावते कलामे पाक, आज की तलावत जो खुदा ने मुझे दी वो जबूर 97 उसकी 10, 11 और 12 आयात पढ़ूंगा। उसकी 10, 11 और 12 आयात पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, आए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो, आए खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले बदी से नफरत करो, वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है, वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है, वो उनको शरीरों के हाथ से छिड़ाता है, साधकों के लिए नूर बोया गया है। बहुत खूबसूरत, साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। और आए साथ को खुदावंद में खुश रहो, आए साथ को खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। और जो यही 12 आयत है, यही आयत है, इसी को मैंने शो का टॉपिक बनाया है, आए साथ को खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। और हमने हर वक्त उसके पाक नाम का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो शो मैं शुरू करता हूं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि शो का टॉपिक है 383, आए साथ को खुदावंद में खुश रहो। तो उसका पहली पोस्ट है, मोहब्बत नाम है मेरा, हालाते जिंदगी इंसान दुनिया मुझे कभी भी पुरसकून नहीं लगे। अजीब सी बेचैनी है इस दुनिया की, वो दुनिया वो नहीं, वो हवा नहीं, वो दुनिया में वो मिला नहीं, दुनिया में वो मिला नहीं, वो हुआ नहीं, वो रहा नहीं, वो पलटा नहीं। हर मोहब्बत हर रिश्ता तोड़ कर रख देता है, हर मोहब्बत हर रिश्ता तोड़ कर रख देता है, और सबकी तरजीहात बदलती रहती हैं, और यूं अंदाज बदल बदल कर हमें मारा जाता है। क्यों ये जो पोस्ट एक्चुअली लिखी है हालाते जिंदगी पर, कि इंसान कभी भी अपने जिंदगी के हालात से खुश नहीं होता, पुरसकून नहीं है, दुनिया मुझे कभी भी पुरसकून नहीं लगी, अजीब सी बेचैनी है इस दुनिया की, वो मिला नहीं, इस दुनिया में वो मिला नहीं, वो हुआ नहीं, वो रहा नहीं, वो पलटा नहीं, और हर मोहब्बत हर रिश्ते को तोड़ कर रख देती है। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि हम खुदावन में खुश नहीं रहते, हम दुनियादारी में खुश रहते हैं, दुनिया के धंधों में खुश रहते हैं, लेकिन अगर हम खुदावन में खुश रखें, जैसे उसने लिखा आए साथ को खुदावन में खुश रहो। साधक कौन है? हमने साधक बोला गया है कि हम साधक हैं जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर उम्मीद रखते हैं, 24 घंटे उसके सामने पूर्व उम्मीद रहते हैं, वो साधक हैं। हम साधक हैं जो खुदा को मानने वाले हैं, और हमें सब तरह से खुशियां मिल सकती, जो कुछ भी इस दुनिया में है। मायूस हो जाते हैं जिंदगी से, लेकिन जिंदगी से तो मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी तो उसने दी हुई है। तो
तो हमें हर हाल में जो उसने जिंदगी दी, जो उसने हमें इस जिंदों की जमीन पर रखा, उसका शुक्र करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे आखिरी दो आयत पढ़ी मैंने, आयत 12 पढ़ी कि आए सात को खुदा में खुश रहो और उसका शुक्र करते रहो। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमने हर हाल में खुश रहना चाहिए और उसका शुक्र करते रहना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात, हम मायूस क्यों होते हैं? जब उसने इस दुनिया में हमें भेज दिया तो वो हमारा हामी और नासर है, वो हमारा राजक और दाता है, हमारी जिंदगी वो है। जब उसने हमें जिंदगी दे दी तो हमारा जिम्मेदार भी वो है। इसलिए हमने किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत, अल्फ्रेड अलेक्जेंडर, ये यूके में उन्होंने लिखा, जब मकान एक जैसे थे, जब मकान एक जैसे थे तब इंसान भी एक जैसे थे। ये कब का जिक्र है? और ये भी मैं एक बात कर दूं कि उस वक्त इंसान वाकई खुदावंद में खुश रहते थे, क्योंकि सादा लोग थे, कच्चे मकान थे, मुकाबले नहीं होते थे, गारे के कच्चे मकान होते थे और जिसमें सिर्फ गुजारा करते थे। लेकिन सच्चे और अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग थे। यही पोस्ट है कि जब मकान एक जैसे थे, उस वक्त महल बनाने का कोई नहीं सोचता था, क्योंकि गरीब लोग थे, गारे के कच्चे घर बनाते थे। क्योंकि अब तो उसके बाद जब पैसा आना शुरू हो गया तो वो फिर दो दो मंजिले घर बन गया, फिर पक्के घर बनने शुरू हो गए, फिर मुकाबले में कि मेरा घर उससे अच्छा है, मेरी फलानी चीज उससे अच्छी है। तो इस वजह से जब मुकाबलेबाजी हो गई और हम खुदा से भी दूर होते गए, हम दौलत के पीछे और इंसानों को पीछे लग गए। और इसी वजह से कि उस वक्त मकान भी कच्चे थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे, वो एक जैसे थे, क्योंकि वो खुदा में खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ दुनियावी तौर पर भी खुश रहते थे। उसके बाद इरफान गिल की छोटी सी पोस्ट है, ये भी, आंख वाला वो है, आंख वाला वो है जो खुद को देखे। हम दूसरों को देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। सबसे बुरी बात यही है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि मैं क्या हूं। हम दूसरी बातों में तो मैं करते रहते हैं, लेकिन इस बात को नहीं सोचते कि मैं क्या हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मैं क्या हूं, हम सब क्या हैं, हम खुद अपने आप को नहीं देखते। वही बात कि हम दूसरे की आंख का शतीर, सॉरी, अपनी आंख का शतीर नहीं देखते, हम दूसरे की आंख छोटा सा जो तिनका है वो हमें नजर आ जाता है, लेकिन अपनी आंख का शतीर हमें नहीं दिखता। और यही एक वजह है कि हम जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे, हम दूसरे की बुराइयां देखते हैं, दूसरों को ऐब देखते हैं, दूसरों को हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं ना किसी तरीके से। इस इंसान की, या चाहे दोस्त है चाहे रिश्तेदार है, कोई ना कोई ऐप पकड़े और फिर हम उससे बात करें, और फिर जैसे हम सोचते हैं कि हम कोई बात पकड़े तो फिर ये हमारे काबू में आ जाएगा, क्योंकि उसकी बुराई या उसकी कोई गलती हमारे हाथ चढ़ जाए तो फिर हम उसको ब्लैकमेल करते। लेकिन अगर हम खुदावंद में खुश रहें तो फिर कभी भी नहीं हो सकता कि हम किसी के लिए बुरा सोचे, और हमने हर एक को अच्छी आंखों से देखना चाहिए। उसके बाद बशीर खजान साहब की ये भी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है, वही लोग हमें बुरा कहते हैं, बहुत बिल्कुल सच्ची पोस्ट है, वही लोग हमें बुरा कहते हैं जिनकी पहचान ही हमारी वजह से होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके कोई भी इंसान का दिल भी बहुत नरम है, बुराई भी बहुत करता है, लेकिन आखिर खुदा ने उसको दिल दिया है, बहुत नरम दिल भी है। लेकिन जब किसी वो गरीब को कह ले या जरूरतमंद को कह ले या कोई गिरा हुआ शख्स मिल जाता है
तो हम उसकी मदद कर देते हैं। तो फिर जब वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो फिर वही बंदा जिस जिस बंदे की आपने हेल्प की है, मदद की है किसी भी तरीके से, तो फिर वही जो है आपकी बुराई करनी शुरू करता है। जिस जिस इंसान को भी आपने मदद की और जिसकी पहचान आपकी वजह से हुई, वही आपके खिलाफ हो जाता है, और यही जो है वो सबसे बुरी बात है। तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए। उसके बाद है एक और पोस्ट, मोहब्बत नाम है मेरा, मोहब्बत नाम है मेरा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। ये बिल्कुल सच्ची पोस्ट है, बिल्कुल 100% सच्ची पोस्ट है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही दिमाग है। पकड़ पकड़ कर इनको, इन लम्हात को लाता है जो अजियत देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ी उसका जो दुश्मन है, क्योंकि दिमाग में हर वक्त बुराई, हर वक्त दूसरों के ख्याल, हर वक्त दूसरों की सोचें रहती हैं, और यही इसी वजह से कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दिमाग है। क्योंकि दिमाग, खुदा ने इस दिमाग को बहुत कुछ सोचने की हिम्मत अता कर दी है। बहुत इसी दिमाग की वजह से इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं खुदा तक कर पहुंचू, चांद सितारे सियारों तक तो वो पहुंच गया। अब उसकी कोशिश है कि वो ऊपर खुदा को भी देखे कि कहां पर है। इसी दिमाग की वजह से, जिसमें इतनी अच्छी सोचे भी हैं, लेकिन इसी दिमाग में बुराइयां भी बहुत है। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद रोज समेत, जिस तरह फूल अपने वक्त पर खिलते हैं, इसी तरह दुआएं भी अपने वक्त पर पूरी होती हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात। हम जब दुआ करते हैं, तो हम सुबह दुआ करें तो हम ये सोचते हैं कि इस दुआ का असर जो है हमें शाम को मिल जाना चाहिए, इस दुआ का जवाब हमें शाम को मिल जाना चाहिए, तो सच पूरी होती है। सच अगर सब पर यहां हो जाए, तो कौन किसी का मुंह, कौन किसी को मुंह दिखाएगा। तो कौन किसी को मुंह दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर सच सब सब पर यहां हो जाए, तो फिर हम एक दूसरे के मकाम, अपने एक दूसरे को मकाम जो है वो मुंह तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक दूसरे पर ये सब बात यहां हो जाएगी कि इसने मेरे खिलाफ बुराई की थी, इसने मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश की थी। तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं। हमें हर हाल में खुदा में खुश रहना चाहिए, और उसकी हर एक बात को, कुछ भी हो, हमने हर एक बात में उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि उसने कहा आए साधको खुदावन में खुश रहो। उसके बाद आज की सिनेरी कॉल, आज का सिनेरी कॉल जो है उर्दू गजल, एक बहुत अच्छी गजल, जो ये गजल मेरे ख्याल के हमने उस वक्त, जो आजकल तो नए बहुत सारे शायर आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो थे पुराने असाफा, जो जैसे गालब, दाग देलवी, शेव, पता नहीं, अमीर तकी मीर, उनको पढ़ते थे। लेकिन आज मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा कि दाग देलवी की गजल उर्दू गजल से मिली। तो उसने लिखा है, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसने किया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम बुराई करके फिर हम दूसरों से पूछते हैं कि ये किसने किया, ये काम किसने किया, ये काम, ये कत्ल किसने किया, ये बेवफाई किसने किए। वो जैसे और एक शेर है, वो कत्ल भी करते हैं तो, मुझे भूल गया है वो, बहरहाल, तो
तो वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसने किया था। वफा करेंगे, नभाएंगे, बात मानेंगे। जब भी दोस्ती होती है, किसी से इश्क होता है, तो फिर वादे तो बहुत सारे होते हैं कि हम कभी भी अपने अपने जब तक ये जिंदों की जमीन पर जिंदा, मैं कभी आपसे बेवफाई नहीं की, करूंगा या करूंगी। तो लिखा फिर, तुम्हें याद है कुछ ये काम किसका था, तुम्हें याद है जैसे भी दागदेल भी किसी दोस्त से प्यार की बातें कर रहे हैं, वो कह रहा है तुमने तो वादे किए थे वफा निभाने के, और तुम्हें ये याद है कुछ कि ये काम किसने किया था, ये वादे किसने किए थे, ये सारी वादे निभाने की बातें किसने की थी। अगरचे देखने वाले तेरा हजारों थे, अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे, तबाह हाल बहुत जेरे नाम किसका था। अगर तेरे चाहने वाले, तेरे देखने वाले, तुझे पसंद करने वाले बहुत ज्यादा थे, लेकिन तबाह हाल बहुत जेरे नाम किसका था, इन सारी मुश्किलात के नाम किसका था। हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा निकला, ये पूछिए इनसे कि कौन ये गुलाम किसका था। कि ये तो एक इंसानी जबिल्लत है कि हम आम हालात में भी, चूंकि हमारी एक फितरत है कि हम दूसरों पर इल्जाम देने की कोशिश करते, दोस्ती हो कोई भी काम हो, तो यही लिखा कि हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा है, ये पूछिए इनसे कि कौन ये गुलाम, ये दोस्त जिसने ये सारा कुछ किया किसका था। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गजल है, मुझे अच्छी लगी, मैंने अपने शो में लेके डाल ली। उसके बाद पोस्ट है, मोहब्बत है मेरे, मोहब्बत नाम है मेरा। बहुत सी औरतें, ये बहुत बिल्कुल सच्ची पोस्ट है, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो आदमी को बेवकूफ बनाती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो बेवकूफ को आदमी बना देती है। और बिल्कुल ये सही बात है, जब इंसान अपनी जिंदगी का, जब शादी होती हो बकायदा अपनी जिंदगी का आगाज करता है, तो कई बार तो जो बहुत अच्छा इंसान होता है, और जो औरतों कुछ दिमाग की अच्छी नहीं, तो फिर वो उसको बेवकूफ न, लेकिन जो बहुत अच्छे दिमाग की औरतें होती हैं, वाकई वो घर को संवारना चाहती, क्योंकि घर जो है वो औरत की वजह से है, क्योंकि वही घर को संवारती है, वही घर को बनाती है। मर्द तो ठीक सारा दिन काम काज में रहता है, लेकिन घर को संवारने वाली, बनाने वाली वो माई हवा ही होती है। तो फिर वो कई बेवकूफ आदमियों को बहुत अकलमंद बना देती है, और ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नदीम गिल, जाग मसीही नौजवान, हर इंसान का अखलाकी फरीजा है कि वो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बिला खौफ डट जाए। बिल्कुल, हम वाकई हमारे साथ बहुत साथी, हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे मुल्क में जो भी कौमें बस रही, चाहे वो अक्सरियत में है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी, वाकई उन पर जुल्म हो रहा है, 73 साल से ये जुल्म हो रहा है। और यही वजह है कि हम जो खुदा के, खुदा से दूर रहते हैं, खुदा से, मैं जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे मुल्क पर क्यों ये मुश्किल आती, कल का वक्त है जो हुआ बहुत बुरा वक्त है, और हम ये हमारी लापरवाहियों से ही होता है। हालांकि ट्रेन में मैंने भी देखा कई बार कि ट्रेन में सर्दी है जी, चलो वो कागज इकट्ठे कर करके आग लगाते हैं, और मैंने जाती तौर पर मना किया अभी ये नहीं करो। और वही बात कि जमात इस्लामी या कोई भी लोग, सर्दी लगती है चूंकि हमारी रेलवे सिस्टम का वो बातें तो नहीं है, तो उन्होंने वो जो सिलेंडर जलाए और आग लग गई, और इतनी स्पीड से ट्रेन जा रही होती है, वो आग तो ऐसे ही भड़क गई, और कितना नुकसान हुआ, कितने जाने चली गई, कितने जख्मी हो गए, कितने बेघर हो गए,
कितने की बीवियां मर गई, कितनों के बाप मर गए, तो ये इंसानी लापरवाह की वजह से हम अच्छी बात के लिए तो आगे नहीं बढ़ते, बुराई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अब वो झूठ जो जी वो वजीर रेलवे पर है, वो हुकूमत ऐसे करती है, हुकूमत की कसूर है जी के रेलवे भी, उसमें रेलवे का क्या कसूर है, बुराई आप करते हो, आप ये सोचते नहीं कि इसमें कितनी जाने, ये ट्रेन में कितने सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। और मुझे ये पोस्ट तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये हकीकत में बहुत बहुत बार मैं बोलता हूँ कि हादसा होते किस वजह से, ड्राइवर की वजह से, कि वो पैसे के लालच में मालिक को खुश करने के लिए गाड़ियां भगाते हैं और कितने जाने जाया हो जाती, बहुत सारे। तो ये सारी हमारी नलायकियां, हमारी लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। तो इंसान को हर वक्त सोचना चाहिए कि हमारे साथ दूसरे इंसान, ड्राइवर है घर या कोई भी है, तो और इंसान जाने भी बैठे हैं, तो जो जाने जाया होगी, घर बर्बाद, उनका कौन जिम्मेदार होगा? तो हमें हर वक्त इन बातों को सोचना चाहिए। उसके बाद हर इंसान का अखलाकी फर्ज है कि वो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बिला खौफ डट जाए। और ये जो है मार्टिन लूथर किंग, जहां इस ये आदमी जो ब्लैक था, लेकिन उसने वाकई अपने कौम के लिए वाकई या तो यहाँ यूएसए में जो छुट्टी होती है उसके नाम की, मतलब ये है जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप, हम दूसरों को बर्बाद करते हैं, बात कुछ और थी उस तरफ दूसरी तरफ, लेकिन हकीकत में इस बंदे ने, मार्टिन लूथर किंग ने बहुत काम किया अपनी कौम के लिए, बहुत। उसके बाद रब्यावान, अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानद होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा को खुश रखने में होता है, वो साधकों में उसका नाम होता है, इसलिए वो भलाई करने के चक्कर में होता है। और जिससे, और ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि जिससे, पहले भी एक ऐसी पोस्ट में, जिससे आप जिससे भी भलाई करते हैं आपकी तो कदर नहीं होती, और वाकई वो इंसान जिसको उसने सिफर से मिसाल दी है, जैसे अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानद होता है, जिसकी अपनी कोई की सिफर की कीमत, लेकिन सिर्फ अगर एक के साथ सिफर लग जाता वो 10 हो जाती, अगर 2 सिफर लग जाएंगे वो 100 हो जाएगी, अगर 3 सिफर लग जाएंगे तो वो 1000 हो जाएगी। सिफर की अपनी कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो किसी के साथ लग जाती, 1000 करोड़ अरबों में पहुंच जाती। और यही बात जो है कि जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिस जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती, कि जिस इंसान की अपनी कोई कदर नहीं होती, अगर वो किसी के साथ भलाई कर दे तो उसकी कदर 10 गुना बढ़ जाती है, और बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है रापियामान की, जब कोई दोस्त आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए, इसलिए कि वो खुदा से, वो सिर्फ मतलब की सोचते है, अपनी जात की सोचते है। और जब बहुत अच्छी बात है ये भी कि जब कोई दोस्त आपको नजरअंदाज करना शुरू करे तो इसका मतलब है कि उसको आपने जो उसके साथ भलाई करनी थी या जो उसको मतलब था वो मतलब उसका हल हो गया, तो अब उसकी आपको जरूरत नहीं, तो फिर वो आपको नजरअंदाज, भूलने की, पीछे हटने की कोशिश करता है, और ये दुनियादारी में सबसे बुरी बात। एक सियासी तौर पे पोस्ट है बहुत अच्छी, नईम बुखारी को बहुत दुनिया जानती, बहुत टीवी, बहुत नामवर वकील, बहुत नामवर जो अंकर था, मतलब टीवी पे बड़े प्रोग्राम किए, उसने लिखा कि फजल रहमान के कंटेनर पर वो 5 खानदान जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे, ये बिल्कुल सही बात है कि मुफ्ती महमूद खानदान, बिल्कुल, जिसका बेटा फजल रहमान आज एक हारा हुआ इंसान,
उमरान ने 5 सीटें जीती थी और ये उसी मेरे ख्याल सीट से या किसी भी सीट से हार गया, और आज एक हारे हुए इंसान के पास वो लोग लगे हुए हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमा लिए हैं, और अब वो चाह रहे हैं कि हमें बचा जाए, और उन्होंने इसको आगे लगा के एक बार फिर कोशिश कर रही है। जैसे 70 में भुट्टो का तख्ता उल्टा, और ये फिर एक बार वही कोशिश कर रही है। और उस वक्त इसका बाप था मुफ्ती महमूद, उस वक्त उस टीम का वो लीडर था। तो मुफ्ती महमूद खानदान, अचकजई खानदान, वली खानदान, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान, अब वो हुक्मरानी अपने अलादों तक पहुंचाने के लिए रियासत पाकिस्तान हमलावर हो गए, हमलावर हैं। जाग पाकिस्तानी जाग, बिल्कुल ठीक बात। नई बुखारी ने बिल्कुल सही लिखा कि वो खानदान, अब वो तो अपने आप को कई चीजों में उन्होंने अब मैं एक बात मैं कहूंगा कि ये जो बच्चे हैं, मैं सोच रहा था कि जो क्या बिलावल भुट्टो, अगर इसकी मां जिंदा होती तो जैसे वो अपने बाप से भी बढ़कर झूठ बोल रहे, शायद वो ऐसा ना करता। चूंकि अब उसकी तरबियत उसके बाप की वजह से, और इस वजह से वो भी झूठ पे झूठ बोले जाता है। तो ये बच्चे क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ भी देखा है, झूठ में आंखें खोली और झूठ ही बोल, उनको पाकिस्तान की कदर नहीं। कहते जरूर हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, जैसे आज शबाज शरीफ का मैंने सुना टीवी, जब जी वाम जो है वो झोलियां उठाकर दुआ मांग रही है कि ये हुकूमत टूट जाए। अजीब बात है भी, अगर आप सोचे इस जो उन्होंने ये तमाशा लगाया, इस पे कितने अरबों डॉलर अरबों रुपए नुकसान हो गया, लेकिन वो अरबों रुपए गरीब पर लगा देते तो क्या था, लेकिन वो फिर भी गरीब को इल्जाम देते हैं। हालांकि हर गरीब रोटी खा रहा है, महंगाई इन्होंने शोर डाला, जिनको महंगाई की परवाह नहीं तो वो महंगाई का शोर डालते हैं। तो उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, और हम इंसान पर कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को नहीं भूल मानते, हम खुदा को भूल जाते हैं और हम इंसानों पर भरोसा कर जाते हैं। तो फिर हम खुदावंद को, जैसे खुदावंद ने कहा आए साथ को खुदावंद में खुश रहो, तो हम खुदावंद में खुश नहीं रहते, हम इंसानों पे भरोसा कर लेते हैं, हम इंसानों में खुश रहते हैं। और यही वजह है कि हम इंसान पर भरोसा कर बैठते हैं, और उसमें हमें फिर क्या मिलता है, बुराई मिलती है, ताने मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, बेवफाई मिलती है। तो हमें क्यों नहीं हम खुदावंद में खुश रहे कि जिसने हमें इस जिंदों की जमीन पर रखा हुआ, किसी चीज की कमी नहीं आने देता। उसके बाद रोजलिन आबदा मिर्जा, कभी आंसू कभी सजदे कभी हाथों काट जाना, आए इंसान जब टूट जाता है तो रब बहुत याद आता है। हम उस वक्त रब को याद करते हैं जब हम उसमें खुश नहीं रहते, क्योंकि जब हम उसने हमें साधकों में शामिल किया, आए साधकों खुदा में खुश रहो, लेकिन वो खुदा जो हमारा अजली बाप है, अल्लाह ही बाप है, जिसने इंसान के पुतला बनाकर उसमें सांस फूंका और इंसान को जिंदा जावेद किया, हम उस इंसान को भी भूल जाते हैं और इंसानों पर इतबार करते हैं। और जब फिर दिल टूटता है, मुश्किल आती है उन इंसानों की वजह, तो फिर हमें वो खुदा याद आता है कि जिसकी वजह से हम इस दुनिया में मौजूद हैं। उसके बाद बिखरते मोती कि पोच, अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। और हम अच्छे लोग आते हैं जिंदगी में, लेकिन हम उन अच्छे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मतलब के लिए, लेकिन वाकई के
और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है, लेकिन हम उनको संभाल के नहीं रखते। मतलब हम वक्त निकाल लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद तू कौन और मैं कौन, और यही वजह कि फिर इंसान का एतबार जो है एक दूसरे से उठ जाता है। फिर हम किसी और अच्छे इंसान को ढूंढ लेते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको भी इस्तेमाल करें, फिर उसको इस्तेमाल करके, और आज ये वक्त आ गया कि हम एक दूसरे पे इतबार, कोई अच्छा इंसान भी है तो हम उस पर भी इतबार नहीं करते, चूंकि बार बार जब हमारे दिल टूट जाते हैं तो फिर हम किसी पे भी इतबार नहीं करते, चाहे वो कितना अच्छा हो। लेकिन अगर हम खुदा मन में खुश रहें और खुदा पर ईमान रखें, उसी पर भरोसा और इतबार रखें, तो फिर मेरे ख्याल है हमें ऐसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुआ मांगे कि खुदावंदा तू ही हमारी मदद कर, तू ही हम पर रहम कर, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। उसके बाद फिर राबिया इवान की दो पोस्टें हैं। सबसे बड़ी सच्चाई जिसके लिए आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए वो ये है कि खुदा कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बिल्कुल खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता अगर हम खुदावंत में खुश रहते हैं, खुदावंत की बातों में खुश रहते हैं, खुदावंत को पाक कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी बातों को सच्चाई से मानते हैं, तो फिर हमें किसी जरूरत की किसी भी तरह से वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, हम तन्हा रह जाते हैं। जैसे ये भी मैंने दो तीन पोस्टों का जो लुबे लबाब था वो यही था कि हम तन्हा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोग मतलब के लिए हमें इस्तेमाल कर जाते हैं और फिर वो तन्हा रह जाते हैं, जो लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदा में रहें, अपने खुदा पर भरोसा करें, लेकिन खुदा, क्योंकि ये लिखा है कि वो ये है कि खुदा कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इंसान छोड़ दे, जो मर्जी छोड़ दे, लेकिन खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, जो वक्त दूसरों पे तनकीद करने में गुजारते हैं, ये सबसे बड़ी गेम है हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में, कि हम जो वक्त दूसरों पर तनकीद में गुजारते हैं वही वक्त खुद को संवारने में गुजारे, किसी को बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन खुद को बदलने का इख्तियार तो है कि खुद को बदलना आपके इख्तियार में है। दुनिया को ना बदले, खुद को बदले और सब बदल जाएगा, और खुदा में खुश रहे तो हम अपने आप को क्यों नहीं बदलते। हम दूसरों को कोशिश करते हैं कि वो, हम हजारों बुराई हमने है, मुझ में है, लेकिन मैं उस बुराई को नहीं, मैं दूसरों को संवारने की कोशिश करता हूं। अगर हम इज्तमाही तौर पर सब इकट्ठे होकर सच्चाई के साथ खुदा को माने, जिसने कहा कि आए साथ को खुदा मन में खुश रहो, तो फिर हम ये सारी बुराइयां हम दूर हो सकते हैं। लेकिन हम इस तरफ नहीं सोचते, हम इंसानों के पीछे भागते हैं या शैतानों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया जो है वो शैतान के नरके में है, और हम कभी भी नहीं सोचते कि जहां पर ज्यादती जुल्म हो रहा है हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन ये भी एक बात सच है कि जहां पर ये ऐसे वाकयात होते हैं उसमें खुदा बिल्कुल नाराज होता है, इसलिए फिर आते हैं, फिर मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। इस बात के हम कभी भी नहीं सोचते कि रोज कोई ना कोई इंसानों के ऊपर पाकिस्तान में मुश्किलें आ रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं सोचता। तो इसलिए हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, और उसमें हमारी कौम भी शामिल है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत खूबसूरत, नवीद गिल, पता नहीं ADV के एडवोकेट है, उन्होंने लिखा, उम्मीद भी कुछ बाकी, अभी भी उम्मीद कुछ बाकी है, उम्मीद है ऐसी बस्ती जहां झूठ का कारोबार ना हो। लेकिन झूठ का कारोबार तो नहीं खत्म हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि हमारा खुदावंद पर भरोसा नहीं, हम खुदावंद में खुश नहीं रहते। एक बस्ती बसने वाली है,
खुदा करे ऐसी बसी वाकई एक सच्ची और अच्छी बस्ती बसने वाली है, दहशत का बाजार ना हो, जहां पर दहशत डर खौफ दहशत गर्दी ना हो, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो, ऐसी बस्ती जिसमें कोई जुल्म ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, और जहां कोई जुर्म ना हो, मरना भी आजाद हो, कि मरे भी तो आजादी से मरे, वहां तो पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा है, वहां फूल खुशी से खिलते हैं, वो बस्ती जहां पर अमन और सलामती हो, जहां पर खुदा को माना जाए, जहां खुदा में खुश रहे, तो फिर वो बस्ती तो वाकई जो ये ख्याल पेश किया है नवीद गिल में, तो फिर तो वो बस्ती वाकई ऐसी खूबसूरत बस्ती होगी कि जहां पर खुशी के साथ फूल खिलते हैं। ये बस्ती काश तुम्हारी हो हमारी हो, कि जहां पर ये सारी चीजें ना हो, झूठ ना हो, मुनाफकत ना हो, जुल्म ना हो, दहशत गर्दी ना हो, तो ये सारी बस्ती किसकी है? आपकी है। अगर हम सब मिलकर खुदा में खुश रहते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा पर भरोसा रखते हुए, तो ये बस्ती ये मुल्क खूबसूरत हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हम दूसरों मुल्क में बैठे हो, वाकई यहां पता चलता कि खुदा है, क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं, एक दूसरे को कोई बुराई नहीं, हर कोई अपने अपने घर में खुश है, काम से है, दूर से किसी को मिल गए हाथ हिला दिया, उसके बाद ना किसी से पूछना ना बात, काम पर भी हेलो हाय किया, अपना अपना काम किया, घर चले गए, फिर सुबह रोज की रूटीन, ये किसी की बुराई हम नहीं करते, यहाँ पर देखा किसी को भी हम करते हैं, जो हम पाकिस्तानी मसीह है या मुस्लिम है हम करते हैं, वो हमारी रूटीन उसी तरह ऐसी ही है, मौसम सारे मिलते हो, ये बस्ती काश हमारी हो, सारे मौसम खूबसूरती से चलते हो, जैसे जितने भी चार मौसम है, मौसम बहार है, खजां है, सर्दी है, गर्मी है, तो ये सारे मौसम बस रंग और नूर बरसते हो उस बस्ती में, क्योंकि खुदा का नूर उस बस्ती में ही बसेगा जहां खुदा मौजूद है, जहां खुदा को माना जाएगा, जहां खुदा में खुश रहेंगे, जहां खुदा की बंदगी होगी, और हम मानेंगे कि खुदा की वजह से ही हम हैं, और वो खुदा की वजह से ही बस्ती खूबसूरत हो सकती है। ये बस्ती काश हमारी हो, बस रंग और नूर बस बरसते हो, वहां खून की होली ना हो, वहां पर खूबसूरत रंग बरसते, बरकते बरसते हो, फजल बरसते हो, वहां पर खून की होली ना खेली जाए, सारे हंसते बसते हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। बहुत खूबसूरत ख्याल पेश किया नवीद गिल ने, और सारे हंसते बसते हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो, जहां मुनसब से इंसाफ मिले, क्या बात है, वाकई हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता मुनसब से, जहां मुनसब से इंसाफ मिले, एक ऐसी ऐसी है, ऐसी बस्ती की सारी एक आस है, एक उम्मीद है, एक आस है ऐसी बस्ती की, जहां भूख से रोटी सस्ती हो, बिल्कुल ठीक, आखिरी बात बहुत ही खूबसूरत, जहां मुनसब से इंसाफ मिले, एक आस है ऐसी बस्ती की, जहां भूख से रोटी सस्ती हो, और यह बस्ती कब बन सकती है? जब इंसान इंसान बन जाएंगे, एक दूसरे को लूटना बंद कर, एक दूसरे को खून खराबा करना बंद कर दे, तो फिर ये बस्ती, ये तो ख्याल है, लेकिन इस ख्याल को जाना है, हम इस ख्याल को तकमील कर सकते हैं, लेकिन वो इसी वक्त हो सकता है कि जब सब प्यार मोहब्बत सब इकट्ठे हो, और खुदा को माने, खुदा को में खुश रहने वाले हो, उस खुदा खाल के हकीकत में जो माने, तो फिर हो सकता है, अदरवाइज झूठ मुनाफकत की बातें, एक दूसरे को जेर करना, एक दूसरे को लूटना, फिर वो बस्ती नहीं बस। आखिरी बहुत खूबसूरत पोस्ट है, इरफान डेविड ने ये लिखा है, और बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूँ शायरी दर्द के बगैर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल शायरी आपका
को प्यार दुनियावी तौर पर, और अगर हकीकत हकीकी शायरी खुदा की शायरी, वो भी जब तक खुदा को खुश ना रखे या खुदा में खुश ना रहे, वो इल्हाम या वो सब कुछ आप पर नहीं हो सकता। इश्क से बढ़कर कोई दर्द नहीं दे सकता, बिल्कुल सच्ची बात है। लोग दर्द देते हैं और हम दर्द लेते हैं, लोग दर्द बेचते हैं और मैं खरीदता हूं। कुछ लोग मुझे पागल कहेंगे, कुछ लोग दीवाना, मगर मुझे इससे कोई गरज नहीं। जो ठीक और सच्चा और अच्छा इंसान और वाकई जो अच्छे काम करता है, लोग उनको पागल भी कहते हैं, लेकिन जैसे डेविड ने लिखा है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई भी जो कुछ मर्जी करे। मैं अगर मैं बुरा ना मना तो मैं ये बात करता हूँ, मैं एक शो करता जा रहा हूँ, मैंने 300 से आज 383 शो मैंने की, लेकिन मैं खुदा के नाम से करता जा रहा हूँ। सच्ची और अच्छी बात कोई ठीक है, काफी सुनते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे बुरा भी कहता है तो कहता जे मैं तो अपना काम जो है करता चला जाऊंगा, और यही डेविड का मतलब है। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सरिश्त में दर्द बसता है। जब तक हमारी सरिश्त में हमारे अंदर दर्द नहीं बसेगा, हम बुराई करते जाएंगे और बुराई देखते जाएंगे और बुराई का साथ देते जाएंगे। और दूसरों के लिए जीना लिखा है, जख्म ताजा हो तो लहू भी ज्यादा रिश्ता। बिल्कुल ये साफ बात है, कोई चोट लगती है, जख्म होता है किसी भी तरीके, तो खून निकलता है, फिर हम सोचते हैं उसमें ठंडा पानी डालो। यहाँ पर कुछ भी हो, कोई भी जख्म हो चाहे कितना भी, वो यहाँ उसके ऊपर बर्फ रखते हैं ताकि खून बनना बंद हो जाए। तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वक्त मरहम जख्म भर देती है। बिल्कुल ये मतलब तो और जरूरी, असली जख्म नहीं, ये जो जख्म हम दुनिया देती, जो रिश्तेदार जो दोस्त खबाब देते हैं, वो जख्म की बात कर रहे हैं। तो और दर्द भी ना हो, मुमकिन गुल दर्द, हाँ उनका जो एक अक्सर जो आप डेविड को देखते हैं, उनकी जो रफ्ता रफ्ता मरम जख्म भर देती ताकि जख्म रहे और दर्द भी ना हो। अक्से गुल दर्द इश्क रिश्तों का दूसरा नाम है, चूंकि ज्यादा शायरी अस्के गुल के नाम से ही वो कर रहे हैं। मुबारक है वो, आखिर में बहुत अच्छा बाइबल के जो बातें कोट की हैं, मुबारक है वो आंखें जो दूसरों के लिए आंसू बहाती हैं, और मुबारक है वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कते। काश कि हमारे दिल वाकई एक दूसरे के लिए धड़कें, और मुबारक हैं वो आंखें जो दूसरों के लिए आंसू बहाती हैं। बिल्कुल ये ठीक बात, अगर हमने ये बातें, ये खुदा के कलाम की बातें अगर हम सब में ये बस जाए, तो हमारी कौम भी कहीं से कहीं पहुंच सकती है। और हम इस बात पे नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तौर पर सोचते हैं। किसी भी तरह से आप जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान के हालात को देखते हैं कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से इंसान को इंसान काटने की कोशिश कर रहा है, वो अमीर से अमीर तक बनने की कोशिश। उनको ना मुल्क की परवाह है, उनको ना रिश्तेदारी की परवाह, किसी चीज, उनको सिर्फ दौलत की वजह से। और आज जो ड्रामे पाकिस्तान में लग रहे हैं, वो किस वजह से? सिर्फ दौलत की वजह से। मुल्क लुट जे, खत्म हो जे, गुर्बत रहे, जो मर्जी, तो क्या ये सारे ड्रामे करके तो ये फिर गुर्बत खत्म कर देंगे? गुर्बत और ज्यादा आएगी, क्योंकि जितने लाखों और वो ये खर्च कर रहे हैं, वो गरीबों को क्यों नहीं देते? गरीबों के लिए नारे मारते हैं, और गरीब लोगों को जितने दिन ये तमाशा रहेगा, उनकी मजदूरियां खत्म हो जाएंगी, तो वो तो भूखे मरेंगे ना। तो हम सिर्फ, हमारे मुल्क का सिर्फ एक ही गेम है, लालच, किसी ना किसी तरीके से उसमें हम भी शामिल है कि किसी ना किसी तरीके से हमें दौलत मिल जाए, कोई आगे बढ़े ना बढ़े, मुल्क डूबता डूबते जाए, रिश्तेदार बहन भाई मरते हैं तो मरते जाए, सिर्फ हमें
दौलत की जरूरत है। और हम जैसे खुदावंद ने कहा है, अभी जबूर 97 में पढ़ा कि आए साथ को खुदावंद में खुश रहो। अगर हम जब हमें सादक कहा गया है, सादक का हम सादक बनना चाहते हैं, झूठ बोल के मुनाफकत करके सादक बनना चाहते हैं, और यही कमजोरी के हम तरक्की नहीं कर रहे। अगर हम वाकई सादक और उम्मीद बनना चाहते हैं तो हमें खुदावंद में खुश रहना चाहिए। और यही मेरा टॉपिक आज के शो का कि हमें खुश रहना चाहिए, खुदा में खुश रहें तो फिर ये बुराइयां जो हैं, जो भी मुनाफकतें, जो भी झूठ और जो बुरी तरह आने वाली नस्लों में, जैसे मैंने अभी एक बात कोट की थी कि मरियम नवाज नौशरी की बेटी और जो क्या है मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती ममद का बेटा और बिलावल भुट्टो किसका बेटा, जरदारी का बेटा, तो आप इनकी हिस्ट्री देखें। अगर आज ये नौजवान झूठ बोल रहे हैं, आज ये नौजवान लोगों के नए खून में झूठ की जो इल्लत डाल रहे हैं, तो आने वाले नस्लें तो झूठ बोलती जाएंगी, झूठ बोलती जाएंगी। और एक वक्त आएगा, खुदा ना करे कि हमारे मुल्क को कुछ होए, लेकिन कौम कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हम एक दूसरे पे इल्जाम देते ही रहेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आपको ये तौफीक दे कि आए साहब को खुदावंद में खुश रहें और हम खुदावंद में खुश रहें, ताकि हम कभी भी मुश्किलों में ना पड़े। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और खुदावंद आपको बहुत खूबसूरत जिंदगी दाए जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी पेशी ना है। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।